इन दिनों दुनिया भर की मीडिया में कोरोना वायरस को लेकर तमाम खबरें हैं, लेकिन अचानक एक खबर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। ये खबर थी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लेकर। 11 अप्रैल 2020 ये वो तारीख है जब से किम जोंग उन को नहीं देखा गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरी दुनिया में अटकलों का बाजार गर्म है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का तानाशाह एक सर्जरी के बाद से गंभीर रूप से बीमार है। वहीं दक्षिण कोरिया और चीन के सूत्र इस खबर पर शक जता रहे हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग ने दावा किया कि किम एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। अमेरिका अब इस मामले पर करीब से नजर बनाए हुए है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे होंगे। ट्रंप ने कहा, हमारे किम जोंग उन से अच्छे संबंध हैं और मैं उन्हें अच्छा करते हुए देखना चाहता हूं। सवाल तब खड़ा हुआ जब 15 अप्रैल 2020 को नॉर्थ कोरिया के संस्थापक और किम के दादा के जन्मदिन के आयोजन के मौके पर वो दिखाई नहीं दिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को कुछ होता है तो उसकी गद्दी कौन संभालेगा। माना जा रहा है कि तानाशाह की गैर मौजूदगी में उसकी बहन नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाल सकती है। यहां जानकारियों को गुप्त रखने के लिए नियम काफी सख्त हैं। ऐसे में तानाशाह के बच्चों और परिवार वालों के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तानाशाह की बहन किम यो जोंग उनकी वारिस बन सकती हैं। किम की बहन का पहले ही सरकार में काफी प्रभाव है। वो किम जोंग की सलाहकार भी हैं। इसके साथ ही वो उनकी राजकाज के कामों में मदद करती हैं। ऐसे में किम योंग जोंग तानाशाह के बाद सुप्रीम लीडर के रूप में उभर सकती हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गद्दी की इस लड़ाई में परिवार के अन्य सदस्य जोंग का कद कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस रेस में सिर्फ उनकी बहन ही अकेली नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी भी हैं, जो कई बार तानाशाह के विदेशी दौरों में उनके साथ नजर आ चुकी हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया में किम यो जोंग को तानाशाह की वफादार माना जाता है। वो किम की निजी सहायक भी हैं। किम ने अप्रैल के शुरुआत में उन्हें वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया में पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य के विकल्प के रूप में चुना था। वो सत्तारूढ़ पार्टी की पहली सदस्य थीं, जो तानाशाह के साथ सियोल में अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ हुई समिट में गई थीं। हालांकि जब भी नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन अहम आयोजनों से नदारद रहते हैं, तो उनकी सेहत को लेकर अटकलें शुरू हो जाती हैं। 2014 में भी किम 6 हफ्तों के लिए गायब हो गए थे। बाद में साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने कहा था कि किम इलाज के बाद आराम कर रहे थे। किम जोंग उन किस हालत में हैं, अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। वहीं नॉर्थ कोरिया की मीडिया भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया की सत्ता में कोई भी बदलाव होता है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ना लाजमी है।